हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपरांत अब हिमाचल प्रदेश राजकीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये चुनाव आगामी 4 अक्टूबर को होंगे। इस चुनाव के लिए मंडी जो नंबर 1 के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमेंद्र पाल गोस्वामी ने अपने समर्थकों सहित नामांकन दाखिल किया। हेमेंद्र पाल गोस्वामी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करीबी माने जाते हैं और छात्रकाल से ही सक्रिय राजनीति में रहे हैं। गोस्वामी बल भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता रह चुके हैं। वर्तमान में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। अपने नामांकन के उपरांत समर्थकों को संबोधित करते हुए हेमेंद्र पाल गोस्वामी ने कहा कि इस चुनाव लड़ने के पीछे उनका मकसद किसानों की आर्थिकी मजबूत करना है। भूमि विकास बैंक के जोन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी का जो डायरेक्टर का नॉमिनेशन फाइल किया, इसमें हमारा जो चुनाव है वो 4 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें मेरी सबसे यही विनती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो मेंबर हैं, जो वोटर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करें और अपना वोट डालें। बाकी मेरी जो जीतने के बाद जो भी अपेक्षाएं सबकी मेंबर की होगी उसके ऊपर मैं ठीक उतरूंगा। पहले भी मैं पार्टी की किसान मोर्चा की 3 बार जिम्मेदारी स्टेट की निभा चुका हूं, उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश प्रवक्ता रहा, तो 3 टेन्योर मेरे इसी में किसानों से जो संबंधित समस्याएं हैं वो हम गवर्नमेंट के साथ समय समय पर उठाते रहे हैं। तो इसमें भी किसानों से संबंधित जो ये बैंक जो भी सुविधाएं किसानों को हो पाएंगी उसके लिए हम कार्य करेंगे और जहां तक होगा मैं आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूंगा।